हेलो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में ये सेट देख रहे हैं, आईटेल है A48। इस सेट के जरिए मैं आज इस वीडियो में आपको फोल्डर लगाने का कुछ नया नया नुस्खे बताने वाला हूँ। बहुत ही अलग है जो कि बहुत पसंद आएगा, जैसे फिंगरप्रिंट न कटे आपका, जो अगर मोल्डिंग यानी जो फ्रेम है अगर टेढ़ा है तो उसको कैसे यूज करिए। पीछे का जो देख रहे हैं कि ये पीछे मैंने आपको दिखाया है L6648 है, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही सावधानी, जैसे ये देख रहे हैं ये फिंगरप्रिंट है, इसको बहुत सावधानी से इसको खोलना है। पहला ये है, कई लोग धड़ाक खोल देते हैं तो इसका फ्लेक्स जो है बहुत छोटा है, तुरंत कट जाता है, टूट जाता है, इससे नुकसान हो जाता है। इसको बहुत ही सावधानी से खोलना है, सबसे पहले तो ये दिक्कत होता है, तो इसको आप सावधानी से खोलें। दूसरा ये जो ये पीछे टेप चिपका रहता है कंपनी का, इसको आप जो उल्टा फोल्ड करके रबड़ लगा कर रख दे ताकि सीधा रहे जब चिपकाए, तो फिनिशिंग तरीके से चिपकाइए। और फिर आपको ये जो है ये तो आप निकाल ही रहे होंगे, ये आपको तो मालूम होगा डिस्प्ले का, ये जो है सावधानी से निकाल लेना है। किसी किसी सेट में दोस्तों यहाँ लगा रहता है, ये बोर्ड में देख रहे हैं कि ये डिस्प्ले के फ्लेक्स से ये जो है लगा रहता है। तो अभी हमको क्या करना है कि फोल्डर को जो है बाहर निकालना है। तो अगर आपका हैंड स्किल है, बढ़िया है, तो आप जो है ये भाले से निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको सेपरेटर मशीन से हीट करके निकालें। और इसका भी ध्यान रखें, स्पीकर का जो जाली काफ़ी लोग फेंक देते हैं, फिर बाद में ख़राब लगता है फोल्डर लगाने में। तो भाई कस्टमर पैसा दिया तो अच्छे से लगाएं। और अगर बहुत ज़बरदस्ती होता है तो दोस्तों ये केमिकल डाल लें जो आता है ये फोल्डर निकालने वाला, जो भी आपके जिस कंपनी का आपके पास हो उससे थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें क्योंकि फ्रेम टूटने का डर रहता है, जिसे साइड में ख़राब लगने लगता है, फिर फोल्डर ज़्यादा देर तक नहीं निकलता है। चूँकि और किसी किसी सेट का फ्रेम पहले ही से टूटा रहता है, जो कि ये देख रहे हैं कि पहले ही से टूटा हुआ है, तो और भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए कभी भी ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, जो कि देख रहे हैं फोल्डर निकल गया, फ्रेम भी टूटा नहीं है, बहुत ही सावधानी से निकालने पे। उसके बाद दोस्तों ये क्या करना है, ये जो आपका साइड का ये दिख रहा है जिसमें जाके फोल्डर बैठता है, जो साइड साइड का ये ग्रिल दिख रहा है, इस पर इसको साफ़ करना है बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि जो है फोल्डर बढ़िया से बैठे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फोल्डर बाहर हो गया, जो कि मैंने पहले बताया कि इसको बहुत कितने लोग फेंक देते हैं, तो इसको बाहर आराम से निकालेंगे, क्योंकि ये कभी कभी टूट जाता है, क्योंकि ये पतला प्लास्टिक का होता है। अब ये दोस्तों इसको आप जो है सेट में लगा देंगे तो थोड़ा शोभा बढ़ जाएगा। दोस्तों देखिए, एक मैकेनिक का काम क्या होता है, उसका फिनिशिंग ही एक अच्छे मैकेनिक की पहचान है, उसका फिनिशिंग काम करने का तरीका एक अच्छे मैकेनिक की पहचान है। जिसको जो है कस्टमर पसंद करता है और दोबारा उसके यहाँ फिर दोबारा आने की सोचता है। काम तो कई लोग दोस्तों करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आजकल हर चीज़ हर जगह मिल जा रहा है, लेकिन एक हैंड स्किल बढ़िया हो तो आपके कस्टमर आपसे खुश रहेंगे। जो कि ये साफ़ हो रहा है देख रहे हैं, इसको बहुत क्लीन तरीके से साफ़ करना है, आज ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, फ्रेम न टूटे, देख रहे हैं कि मैंने कितना क्लीन साफ किया है। इसी तरह आपको भी साफ़ करना है, आपके पास जो भी इक्विपमेंट हो उससे आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि फ्रेम न टूटे, क्योंकि फ्रेम टूट जाएगा तो थोड़ा सा ख़राब लगेगा, हो सकता है कस्टमर भी गुस्सा हो। ज़्यादा प्रेस नहीं करना, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये अच्छे से साफ़ हो गया है, ठीक है। इसको आप जो है साफ़ कर लीजिए, थोड़ा समय लगेगा, तो वीडियो को मैंने फास्ट किया था क्योंकि समय मुझे भी लगा था। और उसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों, फ्रेम को देखना है, ये टेढ़ा नहीं है, क्योंकि फोल्डर बैठाने में क्या होता है कि फोल्डर टेढ़ा हो जाता है, फिर बाद में टच में प्रॉब्लम आता है। तो उसको आप ऐसे देख सकते हैं तिरछे करके, फिर ऐसे प्रेस करके जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरह, बहुत ही हल्का, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये एल्युमिनियम का पैनल है अंदर, वो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही हल्का सा प्रेस करके करना है, नहीं तुरंत टूट जाएगा और भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है तिरछा करके आपको देख लेना है, थोड़ा मोड़ा तो रहेगा दोस्तों, क्योंकि हाथ से तो भाई इतना नहीं हो सकता है, जो कि इसमें तो दिख रहा है, तो देख रहे हैं ये बीच में थोड़ा सा है। तो इस तरह आपको जो है सीधा कर लेना है, पूरा चारों तरफ देख लेना है, ताकि फोल्डर एकदम चप्पा सही बैठे, कहीं भी गैपिंग रह रहे, नीचे की लाइट ना दिखे, ठीक है, और फिनिशिंग अच्छा लगेगा दोस्तों। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा थोड़ा है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सीधा कर लेंगे, ठीक है, जहाँ न होने लग रहे, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि डर होता है ज़्यादा। ये जो है लंबे में है, ये जो वर्टिकल साइज जो है, इसको जो है सीधा करने की ज़रूरत रहती है, हॉरिजॉन्टली में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है हम जो है कैमरे को थोड़ा देख लेंगे, ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं कैमरे को साफ़ करना,
उसको थोड़ा सा साफ़ कर देंगे। वो भाई काम फिनिशिंग करें ताकि कस्टमर खुश रहे कि हाँ चलो भाई फोल्डर बदला है, तो कैमरा वमरा मान लीजिए कभी गंदा रहता है तो कस्टमर कहता है चलो भाई साफ़ कर दिया, उसको भी ये सब ध्यान देते हैं जो कि ये मैंने दूसरा फोल्डर ले लिया है नया। तो इसमें दोस्तों ये जो प्लास्टिक देख रहे हैं अगर न लगा रहे तो इसको लगा दिया करें, ठीक है। ये येलो टाइप का हीट रेजिस्टेंस टेप है। फिर उसके बाद दोस्तों ये देख रहे हैं कि ये जो पत्ता बाहर निकला हुआ है, देख रहे हैं ना, कभी कभी ऐसे फोल्डर में आ जाता है थोड़ा सा बाहर निकला, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए शीशे से बाहर निकला हुआ, ठीक है। इसमें कई एडवेंचर थे इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ थोड़ा फोल्डर के ऊपर। ये पत्ता मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, देखिए ये टच से बाहर निकला हुआ, देखिए देख रहे हैं ना, ये टच ग्लास से बाहर, तो ये जाहिर सी बात है फ्रेम में लड़ेगा, थोड़ा केयर करिएगा, मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है थोड़ा देखिए ये तिरछा जोड़ा हुआ है इसलिए बाहर निकला हुआ है, तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लड़ेगा फ्रेम में एकदम कन्फर्म है, ये जो है फ्रेम में लड़ेगा, यहाँ लड़ेगा ये, ठीक है, ये यहाँ पे इस जगह जो है वो जाके लड़ेगा, हो सकता है दिक्कत हो सकता है, दाबें तो हम फ्रेम या सेंसर में दिक्कत हो सकता है, डिस्प्ले ख़राब भी हो सकता है फोल्डर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि उसको रगड़ के साफ कर लेंगे, ठीक है, जो जहाँ लड़ रहा था उसको काट सकते हैं, उसको ब्लेड से स्क्रेच करके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताने की वो ज़्यादा कोशिश की है, ज़्यादा वहाँ ज़बरदस्ती न लगाएं, ये ध्यान दें। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, स्पीकर की ये जाली जो है उसको यहाँ आपको जो है थोड़ा सा ग्लू लगा के चिपका देना है ताकि वो साइज़ एकदम परफेक्ट बैठे जैसे रहता है, कंपनी के साथ लग के आता है वैसे तो कंपनी से जैसा दोस्तों हम लोग नहीं बैठा पाएंगे, लेकिन कोशिश दोस्तों रहे, कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, और जितने ही कोशिश करेंगे उतनी हैंड स्किल आपकी अच्छी होगी और आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी, ठीक है दोस्तों। अब जो है उसको मैंने लगा दिया है, अब जो है क्या करना है, आपको ग्लू लेना है और साइड साइड में ऐसे जैसे आप देख रहे हैं ऐसे धीरे धीरे आपको लेके आना है, ठीक है, बहुत स्लोली, ठीक है, और पूरे जो गड्ढे हैं जिसमें फोल्डर बैठता है उसमें आपको लगा देना है, जैसा कि मैं पहले लगा लेता हूँ थोड़ा सा साइड, कभी कभी दोस्तों फ्रेम से हट जा रहा है कैमरे के जो कि देख रहे हैं, और ये कैमरे के ऊपर भी लगाना है, देख रहे हैं ना, उससे क्या होता है जैसा कि वो कैमरे के ऊपर मैंने ऐसे ऊपर जाली के स्पीकर के लाया है, देखे हैं, और ये जहाँ टूटा है यहाँ भी देखिए लगा देना है ताकि वहाँ फोल्डर गैपिंग न रहे कि दबने से फोल्डर मतलब टच टूट जाए। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि कैमरे के नीचे जो स्पीकर है वहाँ भी लगा देना है ताकि उससे कभी कभी क्या होता है कस्टमर जो है ये लगाता है क्या नाम है अगर फोल्डर लगवाता है तो उसमें क्या होता है कि कैमरे में धूल आ जाता है तो वो कहता है मेरा कैमरा भट गया, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कैमरे के ऊपर जो स्पीकर का बाक कैमरे और स्पीकर जाली के बीच में जो गैपिंग रहती है उसमें भी आप पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा ग्लू पतला ही लाइन में लगाएं लेकिन लगा दें, उससे कैमरे की जाली जो है वो सॉरी कैमरा भटेगा नहीं तो कस्टमर ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, कस्टमर लोग कहते हैं कि जब से फोल्डर बदलवाया तब से कैमरा जो है भट जाता है और इमेज जो है कैप्चर करते हैं तो साफ नहीं होता। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो साइड का है देख रहे हैं यहाँ लगा देना है आपको ग्लू, ठीक है, ये देख रहे हैं मैं लगा दें ताकि जो है एकदम परफेक्ट हर जगह ग्लू बैठे ताकि बढ़िया से पकड़े, ठीक है, फोल्डर जो है बढ़िया से पकड़े, बाद में छोड़ने की कोई शंका न रहे। और उसके बाद जैसे कुछ देर तक रख देते हैं हम लोग सूख जाए, तुरंत न लगाएं दोस्तों क्योंकि अंदर इधर उधर चला जाता है, थोड़ा सा सुखा लेना चाहिए, इसको सुखाने से क्या होता है कि बढ़िया रहता है। अब जो कि मैं जैसा बता रहा था कि यहाँ जो ये देख रहे हैं यहाँ लाइनिंग, इसी के बारे में मैं बता रहा था, ये लगा दें ताकि कैमरा ना भटे, ठीक है, यहाँ भी ग्लू वही मैं बता रहा था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। जैसा कि दोस्तों वीडियो जानते हैं मैं बाद में ऑडियो इसमें डब करता हूँ, ये कैमरा नहीं भटेगा, यही कैमरे के लिए मैं बता रहा था, तो इसलिए ऑडियो बाद में करता हूँ क्योंकि दुकान में बहुत शोर होती है, ये मैं लाइव बनाता हूँ जब कस्टमर आता है, लाइव दोस्तों कोई भी धोखाधड़ी नहीं, तो इसलिए मैं लाइव वीडियो बना लेता हूँ, आवाज़ बाद में दे देता हूँ क्योंकि बहुत हल्ला गुल्ला रहता है, कस्टमर रहते हैं इसलिए बहुत शोर होगा। तो ये देख रहे हैं ये पत्ते को थोड़ा बैंड कर लेना है, फिर आराम से उसमें डालना है, ऐसे स्लाइड करके आगे से देखिए स्लाइड करके बैठाना है उसमें, डायरेक्ट ऊपर से नीचे नहीं बैठाना, नहीं तो सेंसर आपका नीचे का टूट जाएगा जिससे आपका डिस्प्ले पे लाइनिंग आने की हो सकता है शंका है। जैसा कि मैं देख रहे हैं स्लाइड करके नीचे सरका के बैठा है, देखिए हर जगह
आपको अभी दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए एकदम फिनिशिंग बैठा है, ये सब किसका करिश्मा है, वो फिनिशिंग साफ करने का, जो ग्लू मैंने हटाया। कितने लोग बिना ग्लू साफ के ऐसे ही लगा देते हैं, बस ऐसा कि कस्टमर को कब दें, बस चेक कर ले लेकर चला जाए, काम में फिनिशिंग हो या ना हो, बढ़िया देखने में लगे या ना लगे, उसमें पूरा साइड से पूरा ग्लू निकला हुआ है, कहीं उठा हुआ है, कहीं फोल्डर टेढ़ा है, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। कस्टमर को ऐसा करें कि पैसा तो कस्टमर देगा लेकिन उसको काम पसंद आए, ताकि वो जब दूसरे जगह जाए कराने तो ये सोचे कि यार मैं इतना पैसा वहाँ भी दिया था वहाँ, लेकिन वहाँ जो है फिनिशिंग काम में हुआ था, अच्छा लग रहा था काम करने में। ठीक है दोस्तों, ऐसा उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे। देखिए हैंड स्किल शुरू में, देखिए यहाँ बैठा है, देखिए एकदम फिनिशिंग देख रहे हैं, एकदम फिनिशिंग बैठ गया। ये थोड़ा ग्लू की वजह से नहीं दिख रहा, हर जगह देखिए फिनिशिंग, ये तो थोड़ा सा साइड का एज टूटा हुआ है, लेकिन देखिए हर जगह फिनिशिंग एकदम बैठा है, एकदम फिनिशिंग चप्पा जाके एकदम जो है फोल्डर जो है एकदम बॉडी में जो है टच कर गया, कोई भी गैपिंग नहीं है। इससे अच्छा लगता है, कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा कि चलो मैंने कुछ पैसा दिया अगर तो वो जो है काम अच्छा किया, नहीं तो लगाने के लिए कोई भी कैसा भी लगा के दे देता है। तो देखिए ये जो है टेप अब मैंने फोल्ड करके रखा, देखिए अच्छे से चिपक गया, आप देखे ही हैं, वो जो है रोल करके रखा, देखिए एकदम सीधा चल रहा, तो साइड से उठ ही जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको मैंने पैक कर लिया, वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया, अब देखिए बैटरी भी लग गया, वो टेप जो पीछे का ये देख रहे हैं एकदम सही से बैठ गया है, उसको रोल करके आपको रख लेना है तो बढ़िया रहेगा, चिपकाने में आसानी रहेगी, नहीं उठ जाता। देखिए फोल्डर जो बैठ गया, सेट भी ऑन हो गया। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा साइड का जो है, ठीक है बैटरी ये लग रहा है कि हिल गया है, इसको पहले पैनल लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए जब सही बैठेगा ना तो आप फोल्डर लगाते समय डरेंगे नहीं, बहुत लोग डरते हैं अरे डब जाए तो कहीं ख़राब ना हो जाए, जब हर जगह चारों तरफ लेवल बराबर रहेगा दोस्तों, कहीं भी कोई भी दिक्कत आने की जरूरत नहीं। अगर लेवल नहीं रहेगा तो कहीं ऊँच रहेगा, खा लेगा, टूट जाएगा, तो रबड़ अब लगाएंगे, थोड़ा सा रबड़ को फैला लिया जाता है ताकि वो दो तीन दफ़ा लपेटा जाए। अब देखिए मैं डर नहीं रहा हूँ, एकदम लगा रहा हूँ फिनिशिंग, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मेरा लेवल जो है बराबर है चारों तरफ का, इसलिए कहीं डर नहीं है टूटने का। ठीक है, क्योंकि लेवल जब चारों तरफ रहेगा तो कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे चारपाई कुर्सी होती है, बैठ रहे हैं आप, अगर एक पैर चार कुर्सी का जो है कहीं नीचे या तीन ऊपर है तो चेयर टूटने का, क्रेक होने का डर रहता है, वैसे ही फोल्डर होता है दोस्तों, कि अगर लेवल चारों तरफ बराबर है तो कहीं से कितना भी दबे टूटेगा नहीं। अगर कस्टमर थोड़ा उस पर दब उब जाए, कस्टमर से प्रेशर भी पड़ जाए, सोने उने में दब उब जाए पैर पॉकेट में, तब भी क्रेक होने का नहीं डर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब काम करने का फिनिशिंग है दोस्तों, इसको आप जो है केयर करिए। दोस्तों अगर कस्टमर पैसा दिया है तो कुछ दिन चले उसका, ठीक है, जो कि ये देख रहे हैं कि ये देखिए एकदम फिनिशिंग बैठा, अभी जो ग्लू थोड़ा सा गीला है इसलिए देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ग्लू थोड़ा अंदर बाहर नहीं निकला, देखिए कितना फिनिशिंग बैठा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, तब तक।